कि हम राम जी का जो उनकी कार्यशैली थी, उनका अनुसरण, उन्होंने अपना जो मर्यादित कार्य किए, जो अपने पिता का आदेश उन्होंने सर्वोपरि माना, अपनी माँ का आदेश सर्वोपरि माना, हम उनका अनुकरण करें। और युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो कुछ भटक गए हैं, नशे में लिप्त हो गए हैं, तो उसको नशे को छोड़े, प्रण लें कि इस जी साल हमारे रामलला जी आ रहे हैं, हमारा एक 500 साल पुराना मंदिर हमारा बनने जा रहा है, तो हम एक प्रण लें कि हम नशे को छोड़े और अन्य कुरीतियों को भी छोड़े। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। समाज सेवा की अगर बात करें तो समाज सेवा के बहुत सारे चरण होते हैं। घर से भी समाज सेवा की जा सकती है, किसी को परिवार को सुधार के समाज सेवा की जा सकती है, किसी को खाने की सुविधा देकर समाज सेवा की जा सकती है, किसी के घर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हल करने का उनको सजेशन देकर या उनके अंदर सहभागिता देकर जो है तो भी समाज सेवा की कोशिश की जा सकती है। आज ऐसे ही एक समाज सेवी, और अगर हम बात करें साथ साथ ही बीजेपी पार्टी से कोऑपरेटिव सेल के जो कोऑर्डिनेटर हैं ज़िला के, प्रमोद सलूजा जी, आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से जो है समाज सेवा की अंदर से ही अगर हम बात करें, इतना ज़्यादा जो जज्बा है वो किस तरीके से आया, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले सर आपसे यही जानना चाहूँगी कि कहाँ से ये जज्बा आता है, अगर बात करें हम कि जो प्रमोद सलूजा की अगर हम जब भी बात करें, हर समाज सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं और हर समाज सेवा के लिए कभी भी किसी को मना नहीं करते, इतना जज्बा कहाँ से आता है? सब परमात्मा देता है जी। जी मैं एक तो अपना अतीत नहीं भूलना चाहता, 35 साल पहले हम जीरो थे, धीरे धीरे मेहनत करते रहे, कर्म करते रहे, प्रभु देता रहा और हम थोड़ा बहुत दान में विश्वास करते रहे। मेरे मम्मी समझाते थे कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करोगे तो परमात्मा आपको 10 गुना ज़्यादा देगा, उसी पे इम्प्लीमेंट करते हो, जो भी हमसे बन पाता है हम दान करते हैं, प्रभु करा देता है और उससे अच्छे मल्टीप्लिकेशन हमें ज़्यादा ही मिलता है और हाँ हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो सर अगर संस्था की बात करें, फूड फॉर ऑल, आपने एक संस्था का जो है एक गठन किया है, वहाँ पर क्या संस्था कार्य करती है, किस प्रकार कार्य करती है? पिछले साल 15 जनवरी को हमने इसका इनोग्रेशन किया था, फूड फॉर ऑल फाउंडेशन का। उसमें हम जहाँ भी फूड की आवश्यकता होती है, जहाँ से भी हमें फ़ोन आ जाता है, हमने किट बनवा रखी है, वो किट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जहाँ जहाँ से हमें फ़ोन आता है, जिस जिस फैमिली को चाहिए होती है, हम उस पर किट किट प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें, कोई वॉलेंटियर के लिए भी कुछ अपील जी, करना चाहेंगे, हाँ, वॉलेंटियर या कोई सहयोग करना जी, चाहे? मैं गुड़गांव वासियों से पूरे शहर से अपील करना चाहूँगा कि हमारी संस्था से जुड़े। इसमें हम 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो राइस, नमक, तेल, मिर्च, जो भी एक हफ्ते का पूरा सामान होता है हम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी व्यक्ति को राशन चाहिए हो तो हमें मेरे नंबर पर फ़ोन करके मुझे संपर्क कर सकता है, और कोई वॉलंटियर हमारे से जुड़ना चाहे, अपनी सेवाएं देना चाहे, भी मैं इस संस्था में 10 व्यक्तियों का, 20 व्यक्तियों का राशन मैं देना चाहता हूँ, वो भी उनका भी स्वागत है। आप बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग चरण में जुड़े हुए हैं, कहीं पर आप उनके मतलब मुख्यता धारा में हैं, तो क्या कहेंगे किन किन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद सलूजा भी? मैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन का उपप्रधान हूँ, गुड़गांव का आल पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन का पैट्रन हूँ, केंद्रीय सनातन धर्म सभा का मैं पैट्रन हूँ जी जी, और आपका केंद्रीय आर्य केंद्रीय सभा का मैं उपप्रधान हूँ, और पंचन स्मारक ट्रस्ट का मैं प्रधान हूँ गुड़गांव का, और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ, कई लायंस क्लब का मैं पीछे प्रेसिडेंट रहा हूँ, अभी मैं जोन चेयरमैन हूँ उसका जी। तो मतलब जो भी सेवा का मौका मिलता है, सीट तो चलो कुछ नहीं है जी, जो हमें कोशिश करते हैं कि अपने हाथों से जो दान पुण्य हो जाए, जो सेवा हो जाए, वो सेवा ही हमारे साथ जानी है। 22 जनवरी का दिन जी पूरे भारतवर्ष में जो है धूमधाम से मनाने की जो है वो तैयारी चल रही है, श्री राम जी का आगमन दोबारा से, तो क्या कहेंगे उस पर? मैडम ये तो हमारे लिए सौभाग्य का दिन है, 22 जनवरी का दिन। पिछले 500 सालों से हमारे जो पूर्वज हैं इसके लिए प्रयास करते रहे हैं, बेचारे जेलों में गए, कई बार उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, कई कई को तो शहीद हो गए बेचारे थे। तो हर हिंदू के लिए सौभाग्यशाली दिन आ रहा है। मैं सब पूरे देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि इसको दिवाली की तरह मनाएं, हर घर में दिए जलाएं, जिस तरह से अक्षत आए हैं हमारे सबको घर में, इन्विटेशन भी आ रहा है, 22 जनवरी को तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, अपने घरों में आप अपना दिवाली का माहौल बनाएं और दिए जलाएं, उसके बाद जैसे जैसे जिसका सिस्टम बने अयोध्या जरूर आए, रामलला जी के दर्शन करके आए, मेरी सबसे अपील है। आप एडवोकेट हैं जी जी, ज़्यादातर जो केसेस हैं वो हम कहें कि अदालतों में रखे रहते हैं या फिर उसके चक्कर जो है लोग काटते रहते जी हैं जी जी। कुछ पारिवारिक झगड़े भी होते हैं जी जी जी। क्या आप उनको एक सजेशन देना चाहेंगे
कि आज के समय में क्या करना चाहिए एक एडवोकेट के नाते, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है वो लोग चक्कर काटते रहते हैं, बहुत तकलीफ होती है। जी 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 मैडम, गुड़गांव में बहुत ही कैसे लंबित पड़े हैं जी, जी। और मैं गुड़गांव वासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एज एडवोकेट कि आप कोशिश करें जो मुकदमे जो क्रिमिनल केस है वो तो चलो भी कोर्ट फैसला करेगी, सिविल लिटिगेशन है, कोई लड़ाई झगड़ा है, आपसी कैसी है, आपसी कोई द्वेष है, उनको आप समझौते से टेबल पर बैठ के निपटा लें। तो मेरी सब व्यक्तियों से जिनके भी कोई लंबित केस गुड़गांव कोर्ट में चल रहे हैं मेरे पास आए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि उनका उनकी अपोजिशन पार्टी को बुला के उनका हर तरीके से समझौता कराने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले भी कई ऐसे केसेस निपटाए और आज भी कोशिश करता रहता हूं, कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, कोई एक रुपया उनका नहीं लगेगा, पूरी कोशिश होगी कि उनका मामला निपटाया जाए। प्रमोद जी, अगर हम बात करें कि भगवान आ रहे हैं, रामलला आ रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ इस तरीके का क्या उनको अर्पित करना चाहिए, क्या उनको भेंट करना चाहिए कि जो हमारे आराध्य हैं वो भी हमसे खुश हो, प्रसन्न हो। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी युवा पीढ़ी को और अपने सभी गुड़गांववासियों देशवासियों को कि हम राम जी का जो उनकी कार्यशैली थी, उनका अनुसरण, उन्होंने अपना जो मर्यादित कार्य किए, जो अपने पिता का आदेश उन्होंने सर्वोपरि माना, अपनी माँ का आदेश सर्वोपरि माना, हम उनका अनुकरण करें। और युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो कुछ भटक गए हैं, नशे में लिप्त हो गए हैं, तो उसको नशे को छोड़े, प्रण लें कि इस साल हमारे रामलला जी आ रहे हैं, हमारा एक 500 साल पुराना मंदिर हमारा बनने जा रहा है, तो हम एक प्रण लें कि हम नशे को छोड़ें और अन्य कृत्यों को भी छोड़ें। ये मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सलूजा जी। बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान से अपेक्षा तो रखते हैं कि भगवान हमारे लिए सब करें, या हम जो है भगवान से कामनाएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, क्यों ना इस बार जो है हम भी भगवान को कुछ अर्पित करें कि जो नशे हैं समाज में, जो कुरीतियां हैं समाज में, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास करें। और अगर युवा जोश और बुज़ुर्गों का अनुभव दोनों एक साथ चले तो सही में जो हम एक राममय हम संसार की एक अपेक्षा रखते हैं या हम राम राज्य की बात करते हैं, वो राम राज्य बहुत जल्दी स्थापित हो सकता है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।